हे मैं सम कौशल वर्कर लेसिंग इन अदर वे। आज के हम बात करने जा रहे हैं तुम्हारे नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर के ऊपर, जो ज्योग्राफी का एक बोरिंग सा एक और चैप्टर है जो हमें लगता है बोरिंग है, बट इतना बोरिंग है नहीं। बिकॉज अगर तुमने पहले दो चैप्टर पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े तो मेरी वीडियोस अपलोडेड हैं, देखकर देख सकते हो। उन दोनों चैप्टर से इतना रिलेटेड है तुम इस वीडियो को देखोगे तुम्हें लगेगा यार ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो सिंपल लॉजिक पहले चैप्टर रीड करके ये रीड कर लेते तीनों समझ आ जाते, बात ही कोई नहीं थी। लेकिन आज के हम क्या बात करने लगे, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बात करने लगे। ये जो मैप है ये थोड़ा बहुत बना दिया है, ठीक है, इसमें मैं बता दूंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें, एंड इस वीडियो के बाद तुम्हें सब पता लग जाएगा कि कैसे कैसे कि आंसर लिखना है सब सब इस चैप्टर के रिलेटेड एटलीस्ट। सो नेचुरल वेजिटेशन मतलब देखो, वेजिटेशन का मतलब क्या, उगना, खाना पीना, ये जो क्रॉप्स वगैरह ये सब चीज़ें होती है, लेकिन वो नेचुरल नहीं है, वो हम कर रहे हैं, ठीक है, वो एग्रीकल्चर में आ जाती है। ये नेचुरल मतलब खुद उग रही है, ठीक है, ये जो जंगल है, ये पेड़ है, ये किसी ने लगाए थोड़ी, ये तो है ना, बहुत बहुत सदियों से चले आ रहे हैं। हाँ ठीक है, हम डिफॉरेस्टेशन करके रिफॉरेस्टेशन भी कर रहे हैं, वो सब हम पढ़ेंगे अभी, वो तो हम बाद में लगा रहे हैं हम क्योंकि हमने काट दिए, लेकिन ये तो शुरू से है ही है, ठीक है, ये तो नेचर का पार्ट है, तो ये नेचुरल है, ये हम नहीं कर रहे, एग्रीकल्चर वाले हम कर रहे हैं, तो वो एक डिफरेंस आया था। अब इस चैप्टर में ना एंड का पोर्शन थोड़ा बोरिंग है, बट इतना सिंपल है कि तुम्हें तो फर्क भी नहीं पड़ेगा, तुम अपनी भाषा में लिख सकते हो, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले तो यही है कि यार इंडिया में जैसा बोला गया कि 1/3 पोर्शन इंडिया के लैंड का नेचुरल वेजिटेशन होना चाहिए, मतलब वहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह होने चाहिए, लेकिन इतनी पॉपुलेशन बढ़ने के चक्कर में सिर्फ 22% रह गए, मतलब 33% होना चाहिए, अराउंड 33.33%, और है कितना 22%, और वो भी इतना नहीं है, मतलब थोड़े थोड़े जंगल मिला मिलू के किया हुआ है। अगर उन्हें और कम कर दें हम पूरा वाइड स्केल पे देखें तो वो 18-19 रह जाता है, तो इसलिए काफ़ी कम हो गया आने, मतलब काफ़ी टाइम में, ठीक है, इसलिए काफ़ी दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है हम इंडियंस को, काफ़ी दिक्कतें, हम तुम्हें पता है, हमें पता है जगह वगैरह की दिक्कत है, और हम कहते रहते हैं कि हमारे पास ये मतलब इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन है, वो तो उससे रिसोर्सेज जो है वो कम होना इज अ बैड थिंग, तो एक वो चीज है। तो बेसिकली ये चैप्टर था, एंड में हम इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे कैसे चीजें ठीक हो सकती हैं, कैसे हम क्या कर सकते हैं, सरकार ने अभी तक क्या किया है, ठीक है, एंड वेरियस अदर थिंग्स। लेकिन बात क्या है, नेचुरल वेजिटेशन कितने टाइप की होती हैं, ये हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहले तो हम ये पढ़ सकते हैं कि अच्छा बारिश के हिसाब से, जहाँ पे ज़्यादा बारिश पड़ती है मतलब वहाँ पे घना जंगल होगा, उस हिसाब से पढ़ लें, जहाँ पे नहीं पड़ती वहाँ पे नहीं होगा जंगल, ऐसे पढ़ लें। या तो हम पढ़ लें कि अच्छा जी पहाड़ों पे ऐसे हैं और नदियों के पास ऐसे हैं और जी क्या कहते हैं समुंदर के पास ऐसे हैं, तो हम इन तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि भैया जी ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, वेरिएशन इन रेनफॉल, वो बाद में पढ़ते हैं, दूसरा माउंटेन रेंजेस वगैरह का, बेस्ड ऑन वेरिएशन इन रेनफॉल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। सो पहला क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब जो हर टाइम हरा भरा रहता है, एवरग्रीन हर टाइम हरा हरा रहता है, क्यों, कहाँ, कैसे, पढ़ते हैं। देखो पहली बात, इसका एवरेज जो है ना, एवरेज रेंज ऑफ टेम्परेचर वो क्या है, 25 डिग्री से 27 डिग्री। तुम कहोगे 25 से 27 कहाँ पे हो सकती है, 25 से 27 ये नहीं है कि इससे आगे पीछे नहीं हो सकती, एवरेज की बात कर रहे हैं, पूरे साल की एवरेज की, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम इनकी एवरेज, सिंपल, ठीक है। तो ये क्या 25 डिग्री से लेकर 27 डिग्री के बीच में होना चाहिए, मोस्टली जितने हैं इसके बीच में ही होंगे, ठीक है, 24 से 28 हो जाएगा कोई, 25 से 30 हो जाएगा, मेनली यही है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, 25 से 27, और जो रेन है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, भैया ये तो मतलब हाईएस्ट ही हुआ ना, हाँ देश में हाईएस्ट बारिश होती का है, तुम्हें पता है मुझे भी पता है, कोई ऐसी वो बात नहीं है। सो ये पिछला चैप्टर पढ़ा है ना, पिछले क्लाइमेट वाला, तो उसमें हमने रेनफॉल के बारे में आराम से बात करी थी कि भैया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है वेस्टर्न घाट्स की, ये जो इधर कौन सी है और उधर कौन सी है, विंडवर्ड साइड लीवर्ड, विंडवर्ड में बारिश हो रही है, तो इधर जो साइड है ये जो पतली सी ये थोड़ी यहाँ तक, और फिर उसके बाद यहाँ पे भी आ जाती है ये, एंड यहाँ पे जो गारो खासी और जेंथिया हिल्स हैं उनकी वजह से जो बारिश होती है, यहाँ पे मोस्ट हाई मतलब बारिश होने वाली जगह है, और तुम्हें यहाँ पे पता होगा, अच्छा मुझे कमेंट में बताना कौन सी पूरे इंडिया में, मैंने तो वैसे तुम्हें मैप में जगह भी बता दी, लेकिन कहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, हिंट इट स्टार्ट्स विद एम एंड ए, एनीवेज ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब रेन तुम्हें पता लग गया, अच्छा जी इससे सिंपल पता लग जाएगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, बारिश कहाँ पे ज़्यादा होती है, ये तो मैप तो इजी है यार, पहले तीन चैप्टर्स का रिलेटेड ही है, ठीक है जी। अब इसको रेन फॉरेस्ट कहते हैं क्योंकि बारिश होती रहती है, सिंपल, इतना बहुत भयंकर लॉजिक लगा दिया। क्लाइंबर्स और इक्विप्टस से इनका ग्राउंड कवर्ड रहता है। तुम कहोगे क्लाइंबर्स और इक्विप्टस, यार ये एफिसाइट्स में क्या होता है कि यार ये जो ये पौधे के ऊपर जो पौधा उग जाता है उसे हम कहते हैं, मतलब पेड़ के बीच में से ऐसे कोई बाग से ऐसे निकल गया ग्रीन ग्रीन, वो जो निकल आता है थोड़ा बहुत, उसे कहते हैं,
ठीक है, एफिसाइट्स और क्लाइंबर्स भी ऐसे होते हैं, ये ज़मीन पे ऐसे, मतलब ऐसे नहीं कि तुम्हें प्लेन लैंड मिलेगा, तुम्हें वहाँ पे मतलब ज़मीन पे अलग अलग पौधे ऐसे मेनली ये दो दिखेंगे, ठीक है। अब ये अपने एकदम से सारे जो पत्ते हैं वो झड़ ऐसे नहीं झड़ जाते, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई गिरता नहीं है, गिरते भी हैं लेकिन सब एक साथ नहीं गिरते, दैट इज द मेन पॉइंट। डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल एट वंस, ठीक है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस नहीं होता इसमें, धीरे धीरे होता है। तो धीरे धीरे ऐसे होता है कि जब देखो 10 गिरे ठीक है, किसी को पता नहीं लगा, लेकिन जब अगले 10 गिरे तब तक पहले 10 वापस उग गए, फर्क नहीं पड़ता इतना, वो सब चलता रहता है चीज़ें, ठीक है। और अगर इसमें हम बात करें स्पीशीज़ की, अब स्पीशीज़ बहुत बोर करती हैं बच्चों को कि यार ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, लेकिन इट्स नॉट द कहाँ गया, इट्स नॉट दैट टफ, हो जाती हैं चीज़ें अगर समझ के करोगे, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है, बारिश होती है रोज़वुड, ठीक है। अब ये तो देखो याद करने के अलग अलग तरीके हैं, सीसम और गुंजन, ठीक है, एक बार रीडिंग 2-3 बार लगाओगे याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मतलब सबसे ज़्यादा आंसू आते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आंसू आते हैं वहाँ पे कहाँ पे आते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रपोजेज होते हैं, जब प्रपोज से रिजेक्ट हो गए तभी आएगा ना, प्रपोज कैसे करते हो तुम, रोज से करते हो, रोज़वुड होते हैं, एनीवेज, ठीक है। तो रोज़वुड, अब ये हार्ड होते हैं, नो हार्ड फीलिंग्स ब्रो, लेकिन इसमें हार्ड होएंगी, क्यों, क्योंकि वो लड़कियां हैं, ऐसे वो ऐसे वो, ठीक, समझ। तो रोज़वुड जो है ये क्या होते हैं, इनके जो मतलब ये जो पेड़ हैं ये काफ़ी हार्ड होते हैं, फाइन ग्रेन्ड एंड ड्यूरेबल, ठीक है। फाइन ग्रेन्ड मतलब जैसे मैंने पहले भी समझाया, पतले पतले इन द सेंस के फाइन ग्रेन्ड ऐसे ना, बहुत सैंड जैसे हम चीज़ें पढ़ते हैं। ड्यूरेबल मतलब काफ़ी देर तक, लंबे टाइम तक चलता रहता है, तुम्हें लगेगा यार हार्ड भी है और फाइन ग्रेन्ड भी है, ये भी नहीं बच्चे नहीं समझ आता, ठीक है। हार्ड जो पेड़ है वो हार्ड है, फाइन ग्रेन्ड पत्ते एंड उन सब जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जो उसके ऊपर लगे चीज़ें लगी होती हैं उन्हें कहते हैं सब, ठीक है। एक्सपेंसिव फर्नीचर काफ़ी इससे बनता है, ठीक है, काफ़ी हार्ड होता है तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव फर्नीचर बन जाएगा, ठीक है जी। और इससे क्या है, वेस्टर्न घाट्स पे ये पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स के इधर इधर पाए जाएंगे, वेस्टर्न घाट्स इसके इधर इधर पाए जाएंगे, मतलब मेनली इस जगह पे रोज़वुड पाई जाएगी। वैसे तुमसे इतना वो नहीं पूछता कि रोज़वुड कहाँ पे होता है, और अगर पूछेगा भी तो तुम ट्रॉपिकल एवरग्रीन का कोई भी इसमें एरिया लिख दोगे, उधर भी है जैसे ये भी है, तो नंबर नहीं कटते ऐसे बेसिकली, ठीक है। सीसम का बताओ जी, अब कहाँ, ये भी हार्डवुड होती है, एक्सपेंसिव फर्नीचर इससे भी बनता है, तो ऑलमोस्ट सेम है। अब गुंजन में क्या है कि ये हाउस बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है और फर्नीचर के लिए यूज़ होता है, ये है ही ऐसे, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि इनमें बारिश इतनी होती है तो ये मजबूत काफ़ी हो जाते हैं, काफ़ी सख्त हो जाते हैं, सख्त लौंडे हैं, जैसे एक बार बंदा रिजेक्ट हुआ तो वो काफ़ी मायूस होकर बैठे, जो रिजेक्ट हो चुका है वो सख्त हो गया है जी, अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो वो चीज़ हो जाते हैं ये लोग बेसिकली। वेस्ट बंगाल की साइड फाइंड करते थे और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और वेस्ट बंगाल की साइड पे ये ज़्यादा पाया जाता है गुंजन, ठीक है। और बैम्बू वगैरह भी है, ठीक है, लेकिन हमें इतना पढ़ने की जरूरत है नहीं, बेसिकली ये है। उसके बाद डिसीडियस मॉनसून फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। डिसीडियस मॉनसून फॉरेस्ट भैया क्या चीज़ होती है, डिसीडियस मॉनसून फॉरेस्ट मतलब कि बारिश होएगी पर ऐसा नहीं कि होती ही रहेगी, एवरग्रीन मतलब तो बारिश ही बारिश, डिसीडियस मतलब बारिश होगी, जम के होगी, लेकिन पूरे साल नहीं होगी, कभी कभी होगी, ठीक है। तो अब ये डिसीडियस कहाँ पे आते हैं, ये बिल्कुल उसके साथ ही लगा लो तुम, ठीक है, ये बिल्कुल तुम उसके साथ ही लगा लो, ये सबसे ज़्यादा बारिश और उसके थोड़ा इधर, ये जो चीज़ है मैंने ब्लैक में करी है, ठीक है, ये एरिया, इस एरिया को छोड़ के बाकी ये पूरा एरिया है क्या तुम्हारा डिसीडियस फॉरेस्ट का, ठीक है। अब ये इसमें क्या है, 24 से 27 डिग्री, वो कितना था, 25 से 27 है, 24 से 27 है, ठीक है जी, इतना चला जाता है। और ये अपने ना लीव्स को शेड करते हैं स्प्रिंग के टाइम पे, लीव्स को शेड करते हैं स्प्रिंग के टाइम पे और उसको ऑटम तक आ जाते हैं वापस, ठीक है। तो 6 से 8 हफ्ते तक तो नहीं रहते, ठीक है, ऐसे खाली खाली लगता है पूरा जंगल, ये 150 से 200 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए इसके बीच में, उसमें 200 प्लस थी, इसमें 150 से 200 है, ठीक है, थोड़ा कम आ गया उससे। और उसके बाद वैल्यूएबल टिम्बर, हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि यहाँ पे बारिश होती है गंगेटिक प्लेन एंड ये वो, पर इतनी नहीं होती जितनी यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे तो बादल नवे नवे आए हैं तो फिर बारिश हो जाएगी, उधर तो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो टिम्बर काफ़ी वैल्यूएबल मिलता है, प्रोवाइड होता है इससे, हम लार्जर एरिया में फैले होते हैं ये, ठीक है। मैं अब तुम खुद देख लो ना, तुम अगर कंपेयर करोगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से तो कितना ज़्यादा, ये तो कोने कोने में था, ये तो पूरा भर दिया इंडिया, आधे से ज़्यादा तो यही है, ठीक है, सही है। ट्रीज इन प्योर स्टैंड, जब बच्चों को प्योर स्टैंड नहीं मतलब समझ आता, प्योर स्टैंड का मतलब यार ऐसा होता है कि अगर कोई एक डेसीडुअस जंगल है तो वो एक ही तरीके के पेड़ लगे रहेंगे वहाँ पे, कितने कितने, जैसे हम इमेजिन करके देखो एक ही तरीके के पेड़ से पूरा घना जंगल भरा हुआ है, ठीक है, तो वो डेंस जो चीज़ है वो एक ही से रहता है। इसके अगर इनकी बात करें हम स्पीशीज़ की, तो उसमें सबसे पहले आता है तुम्हारा टीक, टीक टीक टी नहीं है, टीक है, ठीक है। इसमें ये भी फर्नीचर के काम आता है, यार सब फर्नीचर क्या काम है, वुड का फर्नीचर वगैरह ही है ना मेनली, तो ये तो मोस्ट पॉइंट्स में आएगा ही, ठीक है। जो हार्ड होगा, जो स्ट्रांग होगा उसमें फर्नीचर बन जाएगा, ठीक है। ये क्या है,
कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड बोट्स, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड बोट्स, मुझे अपनी राइटिंग नहीं समझ आती, अब घरों बनाने में भी काम आता है, और बोट्स मतलब शिप बिल्डिंग, तुम लिखोगे इज अ बेटर वर्ड बोट से, तो उन सब के भी काम आता है शिप बिल्डिंग में, ये जो टीक है तुम्हारा, एंड रेसिस्ट वाइट एंट्स, वाइट एंट्स जो क्या इसको हिंदी में वाइट एंट्स को क्या बोलते हैं, दीमक में भी, आई एम नॉट श्योर, यू कैन गूगल इट, दीमक बोल सकते हैं यार, टर्मोइड्स नहीं, टर्माइट्स, एनीवेज ठीक है तुम गूगल कर लेना, लेकिन ये वाइट एंट्स से बचाने में काम कर रहा है, वाइट एंट्स जैसे मतलब ये क्या होता है, टीक तुम रख दोगे तो वाइट एंट्स आसपास नहीं आते, ऐसे काफ़ी चीज़ें होती ना, तो मतलब पुराने टाइम में माना जाता है कि अगर सियों का जाए तो कुछ ये कर लो वो कर लो ऐसे कर लो, मतलब बहुत सी चीज़ें तुमने सुनी होगी, तो वो सब चीज़ें, हाँ हर एरिया में अलग अलग चीज़ों से इसे बोलते हैं, वाइट एंट्स तो इंडिया में तो नहीं लगता कोई बोलता होगा, बट एनीवेज ठीक है, डज नॉट इरोड और रस्ट आयरन नेल्स, आयरन नेल्स के ऊपर अगर ये होंगे तो ये इरोड या रस्ट नहीं करेंगे उन्हें, ठीक है, नहीं होने देंगे मतलब आयरन नेल्स पे, और ये महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और बिहार में पाए जाते हैं, और भी रीजन्स हैं बट मेनली ये तो महाराष्ट्र, ठीक है, ये जो हमने बनाई ये महाराष्ट्र है काफ़ी, ठीक है, उसके बाद हमने क्या, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, बिहार, ठीक है जी, ये चीज़ें होती हैं। अब टीक की बात ही है, अब हम साल की बात करते हैं, SAL, सॉल, साल जो भी है, बेटर कॉल सॉल, ठीक है, हार्ड होते हैं और ये रेसिस्टेंस देते हैं वाइट एंड्स को, वही चीज़ जो वो करते थे यही करते हैं, ठीक है, हार्ड काफ़ी है और रेसिस्टेंस देंगे वाइट एंड्स को, उस वहाँ पर रख दोगे वाइट एंड्स नहीं आएंगी, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पे है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, नॉर्थ या इस एरिया में और नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा इधर इधर पाए जाएंगे, और ये भी वही हो गया यार, बिहार के कुछ पार्ट्स में यूपी में और उड़ीसा में, बिहार के कुछ पार्ट्स में यूपी में उड़ीसा में ये पाए जाएंगे। और अगर यूकलिप्टस की बात करूँ, यूकलिप्टस की बात करूँ, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट तो सभी है जो लिखा है बोर्ड पर, बट स्टिल यूकलिप्टस में क्या लॉफ्टी स्टेटस होता है इनका पहली बात तो, और पेपर इंडस्ट्री में काफ़ी काम आते हैं ये, और मेडिसिनल पर्पसेस में भी काफ़ी हेल्प होता है, जो इससे चीज़ें निकल के आती हैं, जो इसके एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। अब तुम कहोगे लॉफ्टी स्टेटस का मतलब क्या, लॉफ्टी स्टेटस मतलब काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं, टॉल, काफ़ी ऊंचे, मतलब ऐसा पूरा पेड़ खाली चलता रहेगा, ऊपर जाके जो पत्ते पुत्ते हैं सब ऊपर होंगे, काफ़ी लंबा ऐसा ऊंचा, उसे यूकलिप्टस कहते हैं, मतलब उसे यूकलिप्टस नहीं कहते, यूकलिप्टस ऐसे होते हैं, ठीक है जी। ये हो गया तुम्हारा दूसरा टाइप, अब ये कहाँ पे पाए जाएंगे, ये सिंपल, ये भी इन्हीं एरिया में होते हैं मेजॉरिटी। अब हम बात करते हैं डेजर्ट और सेमी डेजर्ट, डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एज द नेम सजेस्ट वही चीज़ है कि जहाँ पे बारिश कम से कम होती है, सबसे कम बारिश यही इसी रीजन में होती है, डेजर्ट और सेमी डेजर्ट। और कई बच्चे कन्फ्यूज होते हैं डेजर्ट और सेमी डेजर्ट और स्क्रब एंड थॉर्न में, उसका भी मैं बता देता हूँ कभी, कोई नहीं, 25 से 27 डिग्री है इसके बीच का टेम्परेचर, ठीक है एवरेज, और 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, सबसे ज़्यादा कहाँ थी, सबसे ज़्यादा थी एवरग्रीन में, कितनी थी 200 से ज़्यादा, उसके बाद डिसीड्यूस में कितनी 150 से 200, अब ये बिल्कुल ही कम आ गया क्या, 25 से भी कम, 125 से कम नहीं, 25 से कम भाई साहब, ठीक है, तो 25 से कम में आ गए हम डेजर्ट और सेमी डेजर्ट में। इसमें क्या है, जीरो फाइट प्लांट्स होते हैं, जीरो फाइट, फाइट मतलब के पत्ते, और जीरो मतलब जीरो पत्ते, मतलब पत्ते ना के बराबर होते हैं इसमें, कोई पत्ते पुत्ते होते नहीं है मोस्टली, ठीक है। तुम कहोगे भैया धूप होती है, पत्ते नहीं होते, बाकी चीज़ें भी चाहिए होती है, ठीक है, पानी वगैरह वो यहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है। शार्प स्पाइंस होते हैं, काफ़ी ऐसे शार्प होते हैं स्पाइंस इसके, तो इससे बहुत के मतलब एनिमल्स ओवरग्रेजिंग वगैरह ना कर, ओवरग्रेजिंग का ग्रेजिंग ही ना कर पाए, ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें ऐसे खुद ही अडाप्ट कर लेते हैं प्लांट्स अपने आप को धीरे धीरे से, तो काफ़ी शार्प स्पाइंस होते हैं। कैक्टस की एग्जांपल बेस्ट है इसको समझने के लिए, क्योंकि विजुलाइज करना आसान होता है, ठीक है, तो कैक्टी मैंने लिखा भी हुआ है। बबूल के पेड़ होते हैं, पेड़ कह लो या पत्ते, पेड़ कह सकते हैं वैसे, प्लांट कहने लगा था मैंने भी, तो खैर ट्री वैसे तुम्हारे दूसरे एरिया में भी आएंगे, बट खैर ट्री पढ़ लेते हैं। ये हार्डवुड होती है, गम भी प्रोवाइड करती है, एंड काफ़ी और चीज़ें भी होती हैं, खैर ट्री लिख सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। उसके बाद क्या तुम्हारे हैं, स्क्रब एंड थॉर्न, स्क्रब एंड थॉर्न, अब इसमें कन्फ्यूजन क्या रहती है, ये पहले समझ लो, ये 25 से 30 डिग्री, 25 से 30, सबसे पहला था 25 से 27, ये 24 से 27, उसके बाद आया तुम्हारा 25 से 27 फिर से, एंड उसके बाद 25 से 30, क्योंकि मैंने कहा ज़्यादा इधर उधर है तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं ये सब, ठीक है। ये इसमें क्या है कि 100 से कम होती है, 200 से ज़्यादा एवरग्रीन, 150 से 200 डेसीडुअस, और 25 से कम जो है तुम्हारा डेजर्ट, और 100 से कम में आता है तुम्हारा स्क्रब एंड थॉर्न। अब इसमें ना ओवरलैपिंग हो जाती भैया, मतलब क्या ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि यार जैसे ये चीज़ है उसके ऊपर ये चीज़ है उसके ऊपर, जैसे तुमने अगर सेट्स पढ़ा हो, सेट्स में वेन डायग्राम होती है ना, तो उसमें ऐसे दो होते हैं, ऐसे दो अगर सेट्स हैं, अगर हम वेन डायग्राम में सर्कल से रिप्रेजेंट करें, तो ऐसे ये जो बीच में चीज़ है जो दोनों में कॉमन आ रही है, ये वो चीज़ है। तो अब देखो 25 से 100 के बीच में तो सिर्फ स्क्रब वाला एरिया आएगा, और जो 0 से 25 है उसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसलिए थोड़ी दिक्कत पड़ जाती है, हमें समझ नहीं आ पाता, लेकिन मैं समझा देता हूँ। देखो जो ये एरिया है हम बात कर रहे हैं, ये एरिया, ये जो मैंने रेड से किया है, ये है कतई
डेजर्ट एरिया। डेजर्ट से तुम कहोगे भैया गर्मी पर, लेकिन यहाँ पे तो लद्दाख वगैरह में तो ठंड बहुत पड़ती है। डेजर्ट से मतलब वो नहीं होता, डेजर्ट से मतलब गर्मी नहीं होता सिर्फ, डेजर्ट से मतलब एक्सट्रीम वेदर तुम कह सकते हो। यहाँ पे ठंड बहुत होती है इसलिए पौधे वगैरह नहीं उग पाते, यहाँ पे गर्मी बहुत होती है इसलिए पौधे वगैरह नहीं उग पाते, तो दैट्स द डिफरेंस, बट बेसिक प्लॉट सेम है, ठीक है, प्लॉट ट्विस्ट। तो ये दो चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये तुम देख लो, बिल्कुल मैंने क्या कहा था कि जितना ज़्यादा वेस्ट होगा, जितना ज़्यादा वेस्ट होगा राजस्थान में, उतनी बारिश कम होगी, जितनी बारिश कम होगी उतना डेजर्टेड एरिया। और राजस्थान का ही अगर हम पार्ट करें थोड़ा ईस्ट वाली साइड, ईस्टर्न राजस्थान, वो स्क्रब एंड थॉर्न में आएगा, सिंपल, इतना समझना आसान है, ठीक है ये। और जो बीच का एरिया मैंने तुम्हें ऐसे कहा था एक एल्सा बना के छोड़ दो, वो बीच का एरिया भी उसमें आ जाएगा, ठीक है, स्क्रब एंड थॉर्न में हम कर सकते हैं उसे कंसीडर। सो दिस वॉज योर फोर टाइप्स ऑफ दिस, एंड उसके बाद तुम्हारे दो आते हैं और, जिसको हम वेरिएशन इन रेनफॉल नहीं पढ़ते, हम उसे जगह के हिसाब से पढ़ते हैं, जो कि एक है तुम्हारा टाइडल और मैंग्रोव्स जो बोल सकते हैं, और दूसरा है तुम्हारे माउंटेन्स वाला। माउंटेन्स वाला भी सिंपल है, माउंटेन्स वाला में क्या है, हमें क्या पहाड़ों पे जो होंगे, क्या पहाड़ों पे जो होंगे, तुम्हारी बुक में दिया है कि नहीं, लेट मी चेक कहाँ है, अच्छा दे रखा है। सो हम इसे भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो तुम्हारा क्या आता है, माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट में क्या कि एक तो 20 डिग्री से कम होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ठंड है, तो ये हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, 25 से 30, 25 से 27, 24 से, ये वो 20 से कम होगा। तो माउंटेन वाले में क्या एक स्पेशलिटी है, वो 20 से कम होगा। उसके बाद क्या है कि वो बहुत ऊंची जगह पे होगा, 1500 से लेके 3300 के ऑल्टीट्यूड पे ये रहेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक, आई होप ले लिया, ठीक है। तो वो उसके बीच में रहेंगे और इतनी हाइट पे होंगे। हाइट पे होने से क्या होता है यार, कि एक तो ऑब्वियसली टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है तो ज़्यादा पेड़ वगैरह नहीं हो पाते, टेम्परेचर कम होने, धूप चाहिए ना धूप। अब वहाँ पे स्लैंटिंग रेनफॉल, स्लैंटिंग किरण पड़ेंगी सूरज की, तो फिर क्या ही कर सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एरिया वगैरह, तुम अब एरिया वगैरह याद करने की दोस्तों इसमें है नहीं, पहाड़ कहाँ पे तुम्हें पता है, हिमालय के आसपास बना दो, ये जो खाली जगह यहाँ पे बना देना, और उसके बाद क्या हो सकता है कश्मीर टू असम, हाँ इधर जो थोड़े हिल्स वगैरह हैं वहाँ पे बना सकते हो, एंड मतलब बेस बेसिक ये चीज़ें होती है। एरियाज़ वगैरह तो इन टेंथ की ज्योग्राफी में इतने मतलब ईजी है ना, कि लॉजिक समझ लो पहले दो तीन चैप्टर्स का, आगे आप ही होते रहेंगे, ठीक है जी। हाँ वो मैन्युफैक्चरिंग वाले में थोड़ा करना पड़ेगा, मुझे भी काफ़ी लगा था दिमाग पर, एनीवेज हो जाएगा, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यार डिसीडियस और कॉन्फ्रेंस दोनों होते हैं, उनके जो बीच का जो पार्ट होता है ना उसमें होता है, ठीक है, उसके बीच में जो तुम्हारे पाए जाएंगे वो होंगे माउंटेन वाले। अब स्पीशीज़ की बात करें तो यार तुम्हारे तीन दे रखी हैं, दो तीन दे रखी हैं, एक चिरपिन, शिप्रिन या चिरपाइन जो भी बोलते हैं, सिल्वर फर्थ। अगर तुम मेरे साथ 9th-10th में काफ़ी देर से साथ हो तो तुम्हें पता होगा माई प्रोनाउंसिएशन इज़ रियली रियली बैड, सो सॉरी फॉर दैट, एंड डी ऑर्डर। तो चिरपिन में क्या होता है कि यार ये रेसिन और टर्पेंटाइन के एक्सट्रैक्शन के लिए, टर्पेंटाइन एक टाइम की मेडिसिन होती है, ठीक है, मेडिसिन मतलब एक्सट्रैक्ट होता है जो मेडिसिन में यूज़ होता है, ठीक है, बेसिकली तो उसमें काफ़ी हेल्प करता है। एंड ये सॉफ्ट वुड होती है जो कि टी के पैकेजिंग में हेल्प करती है, टी को पैक करने में मदद करती है चिरपिन, ठीक है। ये पंजाब में पाई जाएगी, पंजाब के जो होशियारपुर वगैरह रीजन है, यहाँ पहाड़ है थोड़े बहुत वहाँ पे, एंड यूपी में, और उसके बाद कश्मीर में तो पाई जाएगी। उसके बाद सिल्वर फर की बात करें तो यह टिपिकल कॉन्फ्रेंस ट्री है, क्या कहते हैं, पेपर पल्प एंड मैचेस प्लैंकिंग, बस रीड कर लेना, कुछ इतना नहीं है। और जो डिओडर है ये ऑयली होते हैं, दियोदार, दियोदार से ऐसी लग रहा है कोई परफ्यूम वगैरह, तो ऑयली है, ड्यूरेबल है, स्कैंटेड है, एंड रेलवे स्लीपर्स एंड हाउस कंस्ट्रक्शन में हेल्पफुल होते हैं, फाउंड इन हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर, वही चीज़ है। उसके बाद टाइडल और मैंग्रोव्स की बात करें तो वो भी यार यहीं पर पाए जाएंगे। अब ये जो हमने थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी यहाँ पे, ये बिल्कुल कोने में, ये बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ये चीज़, ये क्या है, ये तुम्हारे टाइडल वाले आ जाते हैं, ये क्या आ जाते हैं हमारे टाइडल। अब ये क्या करते हैं, ये इनका कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, अगर आएगा तो यही आएगा कि बताओ इनके जो पेड़ होते हैं उसमें ऐसी क्या खास बात है जो बाकियों में नहीं है। तो इसमें हम सिंपली यही पहले तुम पढ़ लो, ठीक है, बेसिकली। और उसमें मेन चीज़ क्या आती है, ये सर्वाइव करते हैं पानी में भी, मतलब इनकी जो रूट्स होती है ना वो पानी में ऐसे तुम्हें दिख जाएंगी अगर तुम ध्यान से देखो, ऐसा क्यों दिख जाएंगे, क्योंकि वो ऐसे मतलब अपना रास्ता निकाल लेती पानी तक, जो क्योंकि देखो ये है भी पास ना सी के, तो सी के पास है तो ऑब्वियसली पानी आ जाएगा। एंड उससे वो ब्रीद करती हैं, ब्रीद करती हैं, क्या करती हैं, ब्रीद करती हैं। हाँ, मैंग्रोव वेजिटेशन करेक्टरिस्टिक्स बाय ब्रीदिंग रूट्स और न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स से विच एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स उनके, ठीक है, उनके रूट्स में होते हैं ये चीज़। एंड उनके रूट्स ऐसा है कि सबमर्ज अंडर वाटर होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ, एंड फॉरेस्ट काफ़ी डेंस होते हैं, काफ़ी घने होते हैं। एंड स्पीशीज सुंदरी
वो उस सुंदरी सुंदरबंस तुमने पढ़ा होगा, सुंदरबंस कई बार ये बताते ही नहीं है कि मैप वगैरह में टाइडल बताओ, टाइडल कहाँ पे, नहीं वो कहते हैं सुंदरबंस बताओ कहाँ पे, तो उसको भी यहीं पे बना देना, ठीक है, वो वही चीज़ हो जाएगी। उसके बाद यही है कि बोर्ड बिल्डिंग वगैरह में हेल्प होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, एंड वही सब चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं। एक दो चीज़ें और हैं, उन्हें तुम रीड कर सकते हो। आई होप तुम्हें इतना समझ आ गया हो। अब इसके बाद क्या आता है कि रिलेशनशिप बिटवीन रेनफॉल, नेचुरल वेजिटेशन एंड इन सब चीज़ों में। अब हमें देखो इतना पता है कि जो भी तुम्हारी रेनफॉल है, जैसे मैं बता चुका हूँ, इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, डायरेक्टली रिलेटेड है ये किससे, तुम्हारी नेचुरल वेजिटेशन से, नेचुरल वेजिटेशन से। अब बात पता क्या है कि हम इंसानों को ना जनरली जनरली परसेप्शन ये है, वैसे तो पता है साइंटिस्ट को तो पता ही है, बट जनरली परसेप्शन ये है कि अच्छा ये अगर रिलेटेड है तो मतलब बारिश की वजह से नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करती है। यस ये है, लेकिन इट्स ऑल्सो द अदर वे अराउंड। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कि बारिश के होने से फ़र्क पड़ेगा कि कितना मतलब कितने जंगल हैं, कितने ये हैं, कितने वो है, बट जंगलों के होने से बारिश कभी फ़र्क पड़ता है। अब ये कैसे है, ये कभी और कहीं डिस्कस करेंगे कि मतलब दे अट्रैक्ट रेन, जो बादल होते, जो फॉरेस्ट होते हैं ये, वो मतलब नॉट एग्जैक्टली जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे नहीं, बट काफ़ी चीज़ें होती हैं, ये सर्कल है पूरा, दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। जहाँ पे मतलब अगर देखो सिंपल सी है, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में कहा था, अगर पेड़ ही नहीं होंगे बारिश आएगी तो बाढ़ आ जाएगी, क्यों, क्योंकि सॉइल में एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगी ना सॉइल, क्योंकि सॉइल तो साथ में बह जाएगी, तो फिर लैंडस्लाइड जी है वो पता नहीं क्या क्या आ सकता है, कितनी नेचुरल कैलामिटीज आ सकती है। तो दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेसिकली, अगर हमने साथ में चलना है। साथ साथ चलने वाले साथ क्यों बदलते हैं, एनीवेज ठीक है। तो बेसिकली हम ये चीज़ कह रहे हैं कि इतने इंटर रिलेटेड हैं, तो हमें मतलब, और ये ह्यूमंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो नेचुरल जो इकोनॉमी हमारी उसमें भी हेल्प करते हैं। अब क्या बात है कि नेचुरल टर्म जो है, कलेक्टिव वेल्थ ऑफ इकोनॉमी, ये सब बोला जा रहा है कि हम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें कहा था कि जगह हमें वैसे कहिए 33%, लेकिन सिर्फ 20-21% रह गया, वो भी पूरा एग्जैक्ट नहीं है, 18-19 हो गया होगा अब तक तो, ठीक है। इसलिए काफ़ी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, और उसके बाद ये जो झूमिंग वगैरह जो मैंने पिछली बार बताया था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक जगह पे हुआ, उसके बाद कहीं और चले गया, फिर जो सारा साड़ दिया, फिर उसके बाद फिर से शुरू कर दिया, काफ़ी इनफर्टाइल बनती है उससे सॉइल, और साथ ही साथ काफ़ी नुकसान होता है नेचुरल हमारी वेजिटेशन का, नेचुरल हमारे रिसोर्सेज का, इंडिया का, जिससे फ्यूचर में काफ़ी इंपैक्ट पड़ेगा, फॉरेन ट्रेड एंड इन सब चीज़ों में मतलब बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। वासुदेव कुटुंबकम भी हम कहते हैं, तो पूरे सिर्फ इंडिया पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पूरी दुनिया पे पड़ेगा बेसिकली, एंड दुनिया की चीज़ें भी इंडिया पे इम्पैक्ट करेंगी, वर्ल्ड इकोनॉमी है। एनीवेज हम ज़्यादा उस साइड पे नहीं जाते हुए, अगले तुम्हारे क्या है चैप्टर में, प्रिवेंटिव मेजर्स। अब देखो प्रिवेंटिव मेजर्स में कुछ भी लिख सकते हो तुम, चूंकि सरकार ने क्या किया, बस ये लिखना। प्रिवेंटिव मेजर्स में मोस्टली ऐसे सरकार के बारे में आता है, गवर्नमेंट, ये नहीं कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट, तुम लिखो बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, नहीं ऐसे मत लिखना, बट तुम ये लिख लोगे कि क्या हुआ आज़ादी के बाद, ठीक है। जैसे पहला क्या, वन महोत्सव प्रोग्राम, ठीक है, वन महोत्सव। अब वन महोत्सव क्या चीज़ है, वन महोत्सव प्रोग्राम इज लाइक पेड़ लगाने का, ये जुलाई अगस्त में मनाया जाता है, और इसमें कहा था कि जी पेड़ लगाओ, सरकार ने कहा था पेड़ लगाओ, ठीक है, आज़ादी के थोड़ी सालों बाद उन्होंने ये शुरू करवा दिया था, एंड एग्जैक्ट डेट 1950s, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आया, नाली वो कहते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, ठीक है जी, ये वो कहते हैं। उसके बाद एफॉरेस्टेशन करो, रीएफॉरेस्टेशन करो, क्या पहला क्या, एफॉरेस्टेशन, दूसरा रीएफॉरेस्टेशन, एंड अब इनका फ़र्क नहीं बच्चों को पता लगता, सिंपल है, अपनी भाषा में लिख देना, लेकिन मैं जो बेसिक मतलब बताने जा रहा हूँ, एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना, क्या है, दोनों का मतलब पेड़ लगाना ही है वैसे तो, पेड़ प्लांट्स ग्रो करना, ग्रो करो ना, ठीक है, करना करना, और तो करना, पागल हो गए, ठीक है। तो मैं कुछ याद आ रहा है, कोई मीम वूम विषय, ठीक है, एफॉरेस्टेशन तो मतलब प्लांट्स उगाना, ठीक है जी, नवी जगह पे प्लांट्स उगा देते हैं, ठीक है। बात री एफॉरेस्टेशन क्या है, कि जहाँ पे पेड़ काटे गए हैं वहाँ पे दोबारा प्लांट्स लगाना, मतलब उसकी जगह पे प्लांट्स लगाना, अगर कोई नुकसान हो गया, ठीक है, मतलब कोई जगह है वहाँ से 10 पेड़ काट दिए गए हैं जो कि नहीं कटने चाहिए थे, ठीक है, अनलॉफुल या जो भी है, ठीक है, अननेसेसरी, वहाँ पे दोबारा से एक पेड़ की जगह 2 पेड़ लगाना, मतलब कुछ ऐसा, ये नहीं है कि एग्जैक्ट रेशियो ये है, बट तुम आइडिया समझ रहे हो, ठीक है। तो जो चीज़ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना, रीएफॉरेस्टेशन, कुछ अच्छा करना इन जनरल इज एफॉरेस्टेशन, बेसिकली यही मतलब है इनका। सो ऐसी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि तुम लिख सकते हो, जैसे एक है चिपकू मूवमेंट, चिपकू मूवमेंट 1974 में हुई थी, जो कि तुमने सुना होगा कहीं ना कहीं, जीके में तो पढ़ा ही होगा या न्यूज़ में तो देखा ही होगा, कि जैसे जो नीचे के एरिया से गए केरला वगैरह यहाँ यहाँ पे, और पूरे काफ़ी इंडिया में फैल गया था ये, इसमें क्या हुआ था, ऐसे जो
पेड़ काटने आ रहे थे इलीगली, तो उन पे लोगों ने रोक दिया था। कैसे रोक दिया था, जो पेड़ पे वो चिपक गए थे, कहते अगर इनको काटना पहले हमें काटना पड़ेगा, ऐसे फिर काफ़ी वो हुआ था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। उसके बाद वन महोत्सव हो गया, फॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन चिपको मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट पर भी तुम यही सब चीज़ें लिखोगे कि कंजर्वेशन हमें ज़रूरत क्यों है। पहले मैं बता चुका हूँ कि जी ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स पड़ते हुए, ठीक है। और कंजर्वेशन कैसे करनी है ये भी हमें पता है, ये सब चीज़ें करके। एक है फायर लाइन, अच्छा ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फायर लाइन का मतलब क्या होता है यार, जैसे ये कोई ठीक है लेट्स से जंगल है, ये कोई जंगल है, ठीक है, जंगल में कांड हो गया, वाओ। एनीवेज ठीक है, ये जंगल है। अब इस जंगल में क्या है कि अगर एक साइड पे या कहीं भी आग लगी तो पूरे जंगल में आग लग जाएगी, तो इसलिए सरकार क्या करती है, क्या शुरू किया है कि अच्छा ये जंगल है, ये लो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं, फायर लाइन है ये, मतलब ये पूरा जंगल है, ये पूरा जंगल है, बीच के पेड़ काट दिए, कुछ कर दिया, ठीक है। ऐसा तुमको पेड़ काटना तो गलत है, बट पूरा जंगल ही तबाह हो जाए तो ऐसा, उससे तो बेटर ही है ना, इतनी जगह छोड़ दी। अब इतना डिफरेंस होगा पेड़ों में तो आग नहीं लगेगी, आगे नहीं जाएगी, ठीक है। इधर लगी तो आगे नहीं जाएगी, इधर लगी तो आगे नहीं जाएगी। ये तो मैंने बहुत छोटा दिखा दिया, बहुत बड़े स्केल पे है ये, ठीक है वैसे तो, ठीक है। तो ये भी चीज़ होती है एक फायर लाइन की। उसके बाद क्या रह गया, हाँ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम्स क्या आती है, पहला तो ओवरग्रेजिंग, जो कि हमने पहले लिखा था कि यार क्यों सॉइल वगैरह में ख़राब होता है, मोस्टली चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही है क्योंकि नेचर की बात करें ना, ओवरग्रेजिंग बहुत होती है, उसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली खा जाते हैं ना मतलब जानवर, तो प्लांट्स बचते नहीं, ठीक है। दूसरा लो फॉरेस्ट एरिया, ये सब चीज़ें तो सेकेंडरी हैं, पहला पॉइंट ही है कि हमारे पास जगह ही बहुत कम है फॉरेस्ट की, ठीक है। फॉरेस्ट होगा तो प्लांट्स खाने आएंगे ना एनिमल्स, फॉरेस्ट ही कम है, ठीक है, एरिया ही बहुत कम है, तो एक वो चीज़ है। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एक पॉइंट है कि अर्बनाइजेशन बहुत हो रही है, ठीक है। जो पहले सेमी पूरी मतलब बिल्कुल विलेजेस थी वो सेमी अर्बन हो गई है, जो सेमी अर्बन थी वो अर्बन हो रही है, उससे क्या हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन भर रही है। वैसे एक चीज़ अच्छी भी है, पॉजिटिव है, इंडिया ग्रो हो रही है, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है उतनी इंडस्ट्रीज बनेंगी, उतनी जगह की रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी, ठीक है, फैक्ट्रीज बड़ी होंगी या वो सब चीज़ें होंगी, उस वो जगह कहाँ पे पूरी होगी, वो जगह कहाँ से कटेगी, वो ये काट के पेड़ पुड़ काट के ही तो बनेंगी ना, वो जगह पूरी होगी, रिक्वायरमेंट पूरी होगी। उसके बाद क्या आता है तुम्हारा ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ में तो तुम 100-200 हज़ारों चीज़ें लिख सकते हो, पोल्यूशन ये वो चीज़ें, ठीक है। लोग सोच नहीं है करने से पहले, अपने प्राइवेट के लिए भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज़ काफ़ी कुछ ऐसे कर देती है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो डजंट मैटर, बट मेन तुम्हें समझ आनी चाहिए, टीचर को समझ आनी चाहिए वो चीज़ है, ठीक है। पॉइंट में लिखना अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में भी क्या क्या दिखाया था वो सब चीज़ें लिखते नहीं है, वही दो तीन चीज़ें, ठीक है। एक है कि जेनेटिक्स मतलब पूरा कल्चरली दिखाया जाए, इसका भी टर्म थी या क्या थी मुझे याद नहीं आ रही, एग्रोफॉरेस्ट्री, कि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट को मिला के किया जाए, ठीक है, उनको पूरा इंपैक्ट इंटीग्रेट किया जाए, तो वो एक पॉइंट है तुम लिख सकते हो। उसके बाद बाकी ये भी कुछ पॉइंट्स हैं कि एफॉरेस्टेशन रीएफॉरेस्टेशन किया जाए, ऐसा 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 सब चीज़ें बेसिकली ये सब लिख सकते हो। आई होप तुम्हें समझ आया हो चैप्टर, ज़्यादा वीडियो बोरिंग ना लगी हो बिकॉज चैप्टर बोरिंग था। सो आई गेस दैट इज़, देखो तुम्हारी ज्योग्राफी वगैरह लंबी है बट इतनी लंबी नहीं है जितने तुम मूवीज़ और सीरीज़ देख चुके हो, ठीक है। चाहे तुम लाइव टीवी शोज जितने वगैरह बड़े बड़े देख चुके हो, चाहे तुम एनिमेस जितने बड़े बड़े देख चुके हो, कुछ भी देख चुके हो भाई, इतनी मुश्किल तो नहीं है ये। सो या आई होप तुम्हें समझ आया हो, मज़ा आया हो, कुछ सीखने को मिला हो और साथ में इंजॉय, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मे बी वाटर रिसोर्सेज, आई डोंट नो कौन सा चैप्टर है नेक्स्ट, डू लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।